वेलकम बैक गाइस। तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। और आप सभी जो लोग तो जानते हो कि पिछली वीडियो में हम गए थे पास वाले गांव में। मैं वहां गया था एक घोड़ा ढूंढने पर, घोड़ा तो नहीं मिला, वहां मुझे एक आयरन गोलम मिल गया जो कुछ जॉम्बी से कैद कर रखा था। मैंने आयरन गोलम को बचाया और फिर मैं वापस आ गया और मैंने वहां से थोड़ा सा एक आयरन इकट्ठा करके अपने लिए भी एक आयरन गोलम बना लिया क्योंकि मेरे घर के आसपास बहुत सारी जॉम्बीज आ रही थी। तो एक मिनट, मैंने इस गाय को मारा, एक मिनट की तो भैंस की टांग इसकी, एक मिनट रुक जाता थोड़ूंगा ना, एक उधर है इससे मुझे मारना पड़ेगा। ये ना गांव की तरफ से आते हैं, मुझे मैंने अभी तक वो वाला गेट बंद नहीं किया, मुझे जल्दी से जल्दी वो गेट बंद करना पड़ेगा। पर मैं सोच वरना मुझे समझ नहीं आ रही मैं गेट बंद कैसे करूं, मतलब कैसा गेट लगाऊं या ऑटोमेटिक डोर लगाऊं। ऑटोमेटिक डोर मैं सोच रहा हूं लगा लूं पर वो ना यहां अच्छा नहीं लगेगा मेरे ख्याल से। पर आप मुझे कमेंट में बताना कि आप क्या मैं यहाँ पर ऑटोमेटिक डोर लगाऊं या फिर मैं लगाऊं यहाँ पर सिर्फ सिंपल सा डोर। एक मिनट, मैं आपको ऊपर चढ़कर दिखाता हूँ। ये है मेरे वॉच टावर्स, मैंने ये वॉल तो कंप्लीट कर ली अपने घर के आसपास, तो यहाँ से तो इतना अच्छा नज़ारा नहीं, इस वाले वॉच टावर से इतना अच्छा नज़ारा नहीं आ रहा है। वो दूसरे बाकी जो भी है उनसे अच्छा नहीं आ रहा है। एक जो सामने है पहाड़ी की तरफ, वहाँ से भी नहीं अच्छा आ रहा है। तो अब गाइस मैं एक आपको चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, शायद आपने कभी के पहले की नहीं होगी क्योंकि ये नए नए आए हैं। ये है स्टैंड, और स्टैंड से ना डांस करते हैं, उसके लिए हमें चाहिए होता है कंपोनेटर। तो मैं सबसे पहले कंपोनेटर को क्राफ्ट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ मुझे जाना है नीचे, यहाँ से जाऊँगा क्यों ना जाऊँगा। ओके गाइस, आपकी सेफ्टी में लैंड हो चुका नीचे। अब मुझे जाना है सीधा क्राफ्टिंग टेबल के पास और मुझे ढूंढना है कंपोनेटर, क्या कहते हैं उसे, वो यही है वो, इसका नाम। इसके लिए मैं चाहिए रेडस्टोन टॉर्च जो कि मेरे पास है, क्योंकि मेरे पास सैंडस्टोन काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा सैंडस्टोन्स हैं और स्टोन्स भी मुझे पास साथ वाले गांव से मिल जाएंगे। पर अब मुझे चाहिए जो वाइट कलर का वो था, उसे ढूंढने के लिए मुझे जाना पड़ेगा नेदर पोर्टल जाना बच्चों का काम तो है नहीं। इस अगर तो मैं अपने के लिए कोई तलवार उठा लूँ ताकि जो भी जॉबी बिल उसका मुँह तोड़ दूँ। नेदर पोर्टल जाना बच्चों का खेल नहीं, वहाँ जाने के लिए बहुत सारी हिम्मत क्या कह रहा हूँ, मुझे वहाँ जाना ना बहुत खतरे से खाली दिया बुझेगा। तो नेदर पोर्टल जाने के लिए जो ऑब्सीडियन थे वो मैं अपने पुराने घर से ले आया था, अब तो मैंने बना दिया। तो अब मैं सीधा जा रहा हूँ नेदर पोर्टल के अंदर क्योंकि मुझे चाहिए वो वाइट कलर वाले फ्लास्क, कहते हैं पता नहीं उसे क्या कहते हैं। बस अब हमें जाना है वही ढूंढने। तो ये रहा मेरा, ये है तो जो मेरा यहाँ पर घोड़ा खड़ा था, घोड़ा मैंने जो मेरा स्केल्टन वाला घोड़ा था वो तो मैंने छोड़ दिया था, वो मेरे घर पास ले गया, चला गया होगा। एक मैंने और घोड़ा टेप कर लिया था, उसको मैंने अपने घर के बाहर बांध दिया। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे इसके, आप मैं घोड़ों के लिए एक अलग जगह बनाऊँ जहाँ उसे सिर्फ अपने घर के बाहर बांध कर रख दूँ, क्योंकि मुझे एक घोड़ा नहीं, दो तीन और घोड़े चाहिए। तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ घोड़ों के लिए ना एक तबेला बना लूँ, तबेले में अच्छा रहेगा क्योंकि वो अच्छी लुक भी देगा, क्योंकि उससे हमारे घर की अच्छी लुक भी बन जाएगी। तो ओके गाइस, फाइनली मैं आ चुका हूँ नेदर पोर्टल। मुझे नहीं ये स्टोर ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि हमेशा मेरी गलत लैंडिंग होती है नेदर पोर्टल में, इस तरह से नहीं वहाँ तो लाभ आया वो नहीं किया जाएगा, इस तरह से फिर करता हूँ। यहाँ ये भी सॉइल है ना नेदर पोर्टल के सामने। ओके गाइस, मुझे मिल चुके हैं, बस मुझे ये तोड़ना है जल्दी से जल्दी। मेरे गोल्ड का सेट डाला हुआ इसलिए ये ना जॉम्बीज मुझे कुछ कह नहीं रही, क्योंकि इन्होंने भी गोल्ड के सेट डाले होते हैं जिन, और इससे इन्हें ऐसा लगता है कि मैं भी इनके साथ का ही आदमी हूँ। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए तोड़ रहा हूँ। एक मिनट, ये आवाज़ कैसे है, ठीक है मैं ऊपर देखूँ। ओके गाइस, तो ये मुझे मिल रहे हैं, मुझे लगा मिल नहीं रहे थे आवाज। ओके गाइस, वो रहा। ये ना जब भी हम इसकी तरफ देखते हैं तो ये हम पर आग फेंकता है, तो इससे पहले ये हमें देखें मैं जल्दी जल्दी तोड़ कर सीधा जा रहा हूँ यहाँ से बाहर। ओके, मुझे काफ़ी मिल गया है मेरे ख्याल, यहाँ की सैंड काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है, पर अच्छी तो है ही, पर ये है खतरों से खाली नहीं है। तो मेरी फिर से गलत लैंडिंग हुई, तो अब मैं जा रहा हूँ सीधा नेदर पोर्टल के अंदर ताकि मैं जा सकूँ अपने घर के पास। यहाँ पर अपना पहले मैंने रास्ता बना लूँ और इस लावा को भी रोकने के लिए यहाँ लगा दिया, कहीं यहाँ लगा दिया। ओके, तो मैं जा रहा हूँ सीधा नेदर पोर्टल से बाहर। तो ओके गाइस, जैसा आप देख सकते हो मैं फाइनली वहाँ से बाहर आ गया और अब मैं जा रहा हूँ सीधा अंदर, क्योंकि मुझे अब मुझे बनाना है कंपोनेटर, जिससे कि मेरा काफ़ी सारा सामान इकट्ठा हो जाएगा। मतलब मैंने जो रोबोट्स बनाने हैं, रोबोट्स नहीं कहते उन्हें, कहते हैं स्टैंड, और वो स्टैंड अब डांस भी करते हैं। तो मेरी काफ़ी ख़राब लैंडिंग हुई है, तो अब मुझे जाना है रेडस्टोन उठाने। रेडस्टोन से पहले मैं बनाऊँगा टॉर्च, रेडस्टोन टॉर्च बनानी पड़ेगी सबसे पहले। तो ओके, हम बनाने जा रहे हैं रेडस्टोन टॉर्च। ओके, मेरे पास पहले सर्च करना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं बनता, सर्च करना पड़ता, सर्च कर लगाना पड़ता, अपने आप क्राफ्ट हो जाता। तो
बस यहाँ पर दबाना होगा, सो जो भी सामान होगा मेरे पास आ जाएगा। तो ओके अब मैं करता हूँ हेडस्टोन टॉर्च सर्च, वो आ गई। ओके मुझे बस सिर्फ दबाना है और मेरे पास काफ़ी सारे हेडस्टोन जमा हो जाएगी। इसके बाद मैं बनाऊँ कॉम्परेटर। ओके मेरे पास हो चुकी है फाइव, फाइव फिलहाल काफ़ी हैं। एक मिनट मेरे पास 30 बन सकती है, अब मैं बनाने जा रहा हूँ कॉम्परेटर। ओके वो आ चुका। अच्छा अभी मेरे पास वो नहीं है, स्टोन्स नहीं है। ओके स्टोन्स को लेने के लिए मुझे जाना पड़ेगा पास वाले गांव में। तो ओके गाइस अब पहले मैं ये स्टोन ये यहाँ रख देता हूँ, ये नहीं इसे साथ ही ले जाता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ सीधा बाहर, एक बार रख ही देता हूँ इसे, क्या पता क्या पता क्या। अब मैं जा रहा हूँ सीधा गाइस। ओके तो मैं आपको सीधा वो लेने के बाद ही मिलूँगा। तो ओके गाइस जैसा आप देख सकते हो मैं वहाँ से जल्दी जल्दी गया और मैंने काफ़ी सारे स्टोन इकट्ठे कर लिए थे। और वहाँ से आते आते मुझे सुबह लगी क्योंकि वो ढूंढने में बहुत टाइम लगा, तो मेरी हल्का कम होगी। सबसे पहले मैं ब्रेड खा लेता हूँ, मेरा पेट भर जाएगा, काफ़ी सारी ब्रेड खानी पड़ेगी। ओके गाइस हेल्थ तो ज़रा बढ़नी, अपने आप बढ़ जाएगी सफर। तो सबसे पहले मैं बनाने जा रहा हूँ अब कॉम्परेटर। मेरे पास स्टोन्स भी है, रेड स्टोन टॉर्च भी है और मेरे पास वो चीज़ भी है जो मैं नीदर पोर्टल से लेकर आया था। तो ओके गाइस फिलहाल तो ये एक ही बनेगा, एक ही बना ना। ओ ये आ रही है तो एक ही बना। मुझे चाहिए होगी और टॉर्च, और टॉर्च चाहिए होगी और मुझे स्टोन्स तो मेरे पास फिलहाल तो काफ़ी हैं। करता हूँ सबसे पहले मैं टॉर्चेस बना लूँ। ये एक ना मेरा बैग बिल्कुल भरा हुआ है, इसे मुझे खाली करना पड़ेगा। मेरे बैग में बहुत सारा गंद पड़ा हुआ है, मतलब बहुत सारी बकवास चीज़ जो मुझे चाहिए भी नहीं वो भी मेरे बैग में कितनी सारी हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ इनको सबको खाली करना पड़ेगा। रेडस्टोन टॉर्च बनानी पड़ेगी अभी मुझे फिर से। अब काफ़ी सारी बना लेता हूँ, काफ़ी सारी स्टिक्स भी है मेरे पास और काफ़ी सारे रेडस्टोन भी है। काफ़ी अकेले ये रेडस्टोन ही मेरे पास और भी काफ़ी सारा रेडस्टोन पड़ा है, वो 7 साल मेरे चेस्ट में पड़ा है। ओके तो मेरे पास हो चुका ही है काफ़ी टॉर्चेस। तो अब मैं जाना बनाने जा रहा हूँ और ये कॉम्परेटर मेरे पास अभी 7 ही हुई है ना, 7 हुई हैं और बनानी पड़ेगी। एक मिनट ये आ गई और बनानी पड़ेगी मुझे, काफ़ी सारी बना लेता हूँ क्योंकि स्टोन्स तो मेरे पास काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा हैं स्टोन्स तो मेरे पास। फिलहाल तो ख़त्म होने भी नहीं वाले क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टोन्स हैं। तो मुझे बनाना है कॉम्परेटर, कॉम्परेटर खुल जाना यार। ओके कॉम्परेटर आ गया है, एक बन गया, 2 4 5 6 तो काफ़ी है, इतने तो काफ़ी है मेरे घर फिलहाल के लिए क्योंकि मुझे ज़्यादा चाहिए भी नहीं। अगर चाहिए होंगे तो मैं फिर से आकर ले जाऊंगा। अब मुझे चाहिए स्टैंड, स्टैंड ही कहते हैं ना उसे, पता नहीं क्या कहते हैं उसे, वो लकड़ी वाले रोबोट्स, नीचे ढूंढ कर देखता हूँ। एक मिनट तो कहाँ गए कहाँ गए, सर्च ही करने पड़ेंगे, मिल नहीं रहे मुझे, उनका नाम भी नहीं पता मुझे क्या था। ये रहे आर्मर स्टैंड है इसका नाम। ओके इसका नाम आर्मर स्टैंड है और इसके लिए स्टिक्स तो मेरे पास काफ़ी हैं पर जो चीज़ नहीं है वो मेरे पास है, मुझे मेरी चाहिए स्लैब्स, खूब सारी स्लैब्स चाहिए जो कि ढूंढने के लिए मैं जा रहा हूँ सीधा गांव के। स्लैब्स मुझे शायद ना मैं पास वाले गांव में मिल जाएगी जहाँ मुझे माइंस में मिल जाएगी, माइंस तो काफ़ी हैं गाँव में इसलिए मैं ना वहाँ से लेकर आ जाऊँगा। तो ओके गाइस मैं मिलता हूँ आपको सीधा स्टोन्स इकट्ठे करने के बाद। तो ओके गाइस जैसा आप देख सकते हो मेरे पास हैं अब 12 स्टोन्स, 12 मेरे पास मुझे स्मूथ स्टोन्स तो मिल गए थे और मेरे पास मैंने गांव से एक कटर भी ले आया था जिससे कि एक मिनट ये मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हैं साले, मैंने के अंदर तबेला खोल रखा है, तबेला खोल रखा है मैंने ये अपने कैसल, मैंने यहाँ पे घर के आसपास का रास्ता खोला छोड़ी जिसका जी करता है अंदर आके बैठ जाता है। भैंस की टांग साले, तू भी मर मत, तू भी मर, लांबा लांबा मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, बकवास होते हैं एक नंबर के। तो मैं जा रहा हूँ सीधा सोने। अरे यार तू बैठा या कर क्या रहा होता है, खुद नहीं खड़ा हो सकता, इसे ना मुझे खड़ा करना ही पड़ेगा ताकि जो भी घर पे है उसको भगा तो दे, यहाँ पर बैठा रहता सारा दिन बकवास मारता। तो ओके गाइस मैं जा रहा हूँ सीधा सोने और आपको मिलता हूँ सुबह। तो ओके गाइस जैसा कि आप सब भी देख सकते हो अब हो चुकी है सुबह। तो अब मैं जा रहा हूँ सीधा नीचे, नीचे नहीं अभी अभी हाँ पहले मुझे नीचे जाना क्योंकि मुझे अभी आर्मर स्टैंड बनाने पड़ेंगे ना, यहाँ से ना निकलना बहुत मुश्किल है, पता निकल क्यों नहीं रहा मेरे ख्याल मेरे हाथ में ना पिकैक्स के कारण ही, एक मैंने पिकैक्स लेदर उठा कर देखा अब निकल सकता हूँ बाहर, ये क्या हो रहा क्या रहा है, मैं निकल क्यों नहीं पा रहा।
ओके गाइस, तो ये भोंसड़ी का साला मेरे पीछे खड़ा था, इसके कारण मैं निकल पा रहा था, बाहर निकल फेंचो पास यहाँ साइड, मैं गेट लगा कर जाता नहीं तो ये मेरे पीछे आ जाएगा। मैं सोच रहा हूँ गाइस मैं बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा, ये भोंसड़ी का मेरे पीछे खड़ा था, मैं जा रहा हूँ सीधा नीचे। ओके गाइस, तो मेरी काफ़ी ज़्यादा बुरी लैंडिंग हो चुकी है, अब मैं जा रहा हूँ सीधा सामने, यहाँ पर गाय मेरे स्टोन कटर और अब मुझे चाहिए स्लैब्स। तो ओके गाइस, स्लैब्स मेरे पास हो चुके हैं काफ़ी, तो ओके मेरे पास हैं अब 24 स्लैब्स हो चुकी हैं 12 स्टोन से। ओके हाफ होगा ना उसका, डबल हो जाए, हाफ हो जाएगा स्टोन का, तो मेरे पास अभी 24। तब मुझे बनाना है आर्मर स्टैंड, फार्म स्टैंड। ओके तो ये हो जाएगा क्राफ्ट, अब मुझे कल अकेले दो चाहिए तो काफ़ी इतने। तो ओके गाइस, अब मैं जा रहा हूँ सीधा घर के बाहर क्योंकि अब मुझे बनाना है आर्म स्टैंड और सीधा देता हूँ क्लोज, और अब मुझे जाना है सीधा वो वाली जगह पर जहाँ पर मैंने उसे बनाने की सोची थी। तो एक मिनट, सामने ना ये स्पाइडर्स को मारना पड़ेगा, ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने कवर तो इसलिए किया ना जॉम्बीज में, पर जॉम्बीज आना तो हट ही नहीं रहे, यह बात मुझे समझ आ रही है इनको कैसे हटाऊं। तो मेरे खेत भी काफ़ी कम है, ना ही मैं नई मुर्गियां लेकर आया, मुर्गियां मैं अगली वीडियो में लेकर जरूर आऊँगा या फिर आपको दिखाऊंगा। तो ओके गाइस, जैसा आप देख सकते हो मैं यह का तो यहाँ लगा कर देता हूँ, एक बार रेड स्टोन बाद में लगाऊंगा, पहले लगा रहा हूँ स्टैंड। ये गलत लग गया, ये काफ़ी गलत लग गया, अब ये टूट भी नहीं रहा, एक मिनट इसको तोड़ कर देखता हूँ, टूटना भी काफ़ी मुश्किल काम है। ओके ये मुझे चाहिए, यहाँ लगाना पड़ेगा मुझे ताकि ये सीधा खड़े ना, ये सेंटर में लगा अकेला। तो ओके गाइस, जैसा आप देख सकते हो मैंने इन्हें सही कर कर लगा दिया था, तो अब मुझे यहाँ लगाने हैं बस रेड स्टोन कॉम्परेटर, काफ़ी लगा दूँगी यहाँ साइड पे, यहाँ आप सोच रहे हो कि ये मेरा पेट है और मैं इसके मारी ही जा रहा हूँ, पर ये ना कभी कभी गुस्सा भी बहुत चढ़ाता है मुझे। अब देखो मुझे वहाँ जगह चाहिए क्योंकि मैंने कंपटीटर लगाना है, सामने खड़ा है बीच में बहुत ज़्यादा, जैसे शेर होना वुल्फ ही है ये, क्या हो गया। अब मुझे चाहिए टॉर्चेस, तो गाइस मेरी घर पर आएगी, अब मुझे टॉर्चेस लेने जाने पड़ेगी। ओ मैं पानी में क्या, ओके तो ओके गाइस मैं भाग कर ना घर से टॉर्चेस लेकर आता हूँ। तो ओके गाइस, जैसा आप देख सकते हो मैं काफ़ी सारी रेडस्टोन टॉर्चेस लेकर आ चुका था ताकि मुझे फिर से वापस ना जाना पड़े, चाहिए तो मुझे दो ही पर मैं काफ़ी सारी लेकर आ चुका ताकि फिर से ना जाना पड़े, अगर कोई कमी पड़ जाए तो। यहाँ लगा दी एक टॉर्च, एक लगानी है यहाँ, और अब मुझे चाहिए रेडस्टोन। ओके एक लगाई यहाँ, ओके यहाँ, और एक मुझे लगाना है इस तरफ में ताकि उससे कंबाइन हो जाना। ओके ये जगने लग पड़ा है रेडस्टोन, इसी तरह मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा, एक यहाँ और सामने की तरफ। ओके तो ओके ये अब मुझे लगाना नीचे, नीचे तो लग नहीं पा रहा, मैंने आगे ना जगह नहीं छोड़ी यार, ये तो गलत बात होगी, मुझे फिर से तोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर तो जगह ही नहीं बची। तो ओके गाइस, जैसा आप देख सकते हो मैंने उन्हें जल्दी से जल्दी तोड़ दिया, और अब मैं फिर से लगाने जा रहा हूँ स्टोन्स, ये तो फिर गलत लग गया यार, ये ना एक बहुत बड़ा पंगा है, मतलब ये काम तो खतरनाक है, इसे संभालना, इसे तोड़ना पड़ेगा, अब काफ़ी टाइम ले रहा है ये। तो ओके गाइस, ये फाइनली टूट चुका है, ये एक लगाना है यहाँ, एक लगाना है ओ यार, ये फिर गलत लग गया, फिर इतना सारा टाइम लगेगा, एक मिनट मेरे पास तो पिकैक्स है ना, मैं इसे हाथ से की तोड़ रहा हूँ, एक मिनट पिकैक्स उठा लेता पिकैक्स। ओके तो गाइस ये जल्दी टूट गया, मैं कब से तोड़ने की कोशिश कर रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरे हाथ में ये है पिकैक्स, यहाँ पर लगाता हूँ कंपरेटर यहाँ, तो मुझे लगानी है इसके पीछे, एक मिनट इसको ऊंचा कर देता हूँ तभी स्टोन टॉर्चेस लगेंगे, तब मुझे लगानी है रेड स्टोन टॉर्चेस इसके बिल्कुल पीछे। तो गाइस, जैसा कि आप सब देख सकते हो मैंने लगा दी है रेड स्टोन टॉर्चेस, अब मुझे लगाना है सिर्फ रेड स्टोन, यहाँ भी लगाना पड़ेगा, यहाँ यहाँ सभी के साथ मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा तभी ये डांस करेंगे, और जब ये डांस करते हैं ना बहुत सारा अच्छा लग, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये ना, ब्रेक डांस करते हैं, ब्रेक डांस सिंपल डांस नहीं। तो ओके गाइस, जैसा कि आप सभी देख सकते हो मेरे पास रेडस्टोन कम पड़ गया, तो मैं क्योंकि ये घर से जो भी रेडस्टोन पड़ा था मैं सभी का सभी उठा लिया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे पास काफ़ी सारे रेडस्टोन है कि जो भी ख़त्म हो ही नहीं सकता, तो अभी यहाँ कम ही पड़ गई थी और मुझे लगानी यहाँ और यहाँ। अब एक मिनट पीछे भी लगाना पड़ेगा ना, एक मिनट यहाँ पर, ओके ये जगने लग पड़ा है, इस तरफ से क्यों नहीं ग्लो कर रही है,
ये ग्लो क्यों नहीं कर रहा ना, एक मिनट, उस तरफ से तो ग्लो कर रहा है, मैंने बिल्कुल सेम लगाया ना, यहाँ से देखता हूँ एक बार। ओके ये ना टॉर्च ही नहीं जग रही है, एक मिनट, ये तो टॉर्च ही नहीं बुझ, मतलब जल रही, इस टॉर्च में कुछ खराबी है, ऐसा कर रहा है टॉर्च को तोड़ कर एक बार देखता हूँ, एक मिनट, सामने से पहले देखता, सामने से मैंने बिल्कुल सही लगाया है, पर गलती कहाँ होगी मुझसे, मुझे समझ नहीं आ रही। एक मिनट, यहाँ से एक लाइट, ओके यहाँ पर लगा ले, एक मिनट, ये भी मैंने गलत लगा दिए गाइस, शिट, बुरे दिए, देखो ये ना कांप ही रहे हैं अभी, क्योंकि अच्छी तरह से कनेक्शन हुआ नहीं है ना, इसलिए डांस नहीं प्रॉपरली कर रहे, तो मुझे एक मिनट टॉर्च नहीं लगा कर देखता हूँ, नहीं जगा कर देखो, ये जो नीचे बने हैं इसके साथ ही, एक मिनट नहीं जगा कर देखता हूँ, ये जग तो गया, ये भी जग गया, ये भी, ओके उसका भी वो तो जग गया पीछे बार, पर अगले अगले दो नहीं जग रहे, अगले को बताता हूँ पिछला कुछ ज्यादा, पिछले को बताता हूँ, पिछले को टच करता हूँ तो पिछला तो जग जाता, अगला नहीं जग पा रहा, ये मुझे समझ आ रही, तो ओके मैं ना टॉर्च नहीं लगा कर देखता हूँ। तो ओके गाइस, जैसा कि आप सभी देख सकते हो, मैंने टॉर्च को नया लगाया और सभी कुछ सीधा चलने लग पड़ा, ये देखो आप ये कर रहे हैं अब ब्रेक डांस, तो एक मिनट मैं ना आपको नीचे उतर कर दिखा दूँ ये कैसे लग रही है, मुझे डॉगी समझ नहीं है, वुल्फ में समझ नहीं आ रहा बाहर कैसे आ गया मेरे घर से, मैं दरवाजा लगा कर आया था फिर भी मेरे पीछे आ गया, एक बहुत गलती से मैं ना अंदर गिर गया, अब मुझे जाना पड़ेगा बाहर। तो ओके गाइस, आपको मैं एक बार सामने से दिखा दूँ फिर मैं जाऊँगा सोने, क्योंकि मेरे घर के आसपास काफ़ी जॉम्बीज आ चुके हैं, ये देखो गाइस कितने सुंदर लग रहे हैं ये, तो मैं भाग कर जाता हूँ सीधा घर के अंदर, क्योंकि यहाँ काफी, एक मिनट, ना मुंह तोड़ दूँ साले, तू अंदर के मेरे घर के क्या पर कह रहा है कि हमें धर्मशाला हो रखी है, बता तो मुझे, तो मेरा वुल्फ भी तुझे मारेगा, जो भी आना है आओ, तुमको सबको तो मुंह तोड़ूंगा, तुम्हारे बाप की जगह नहीं मेरी, एक मिनट ये कहाँ गया, एक मिनट इधर है, इधर है, एक मिनट, ये तो विलेजर्स को भी जॉम्बी बना चुके हैं, जो इनके कपड़े हैं ना इससे पहचान हो जाती है, जब कपड़े फटे हुए हैं ना ये, तो ये विलेजर्स हैं, विलेजर्स को जॉम्बी बना रही हैं लोगों ने, जॉम्बीज ने, तो फिर ये मर चुके हैं। अब मैं जा रहा हूँ सीधा अंदर, मेरा लेवल 23 हो चुका है, अब मैं जा रहा हूँ सीधा सोने, और सुबह मैं इनके लिए बनाऊंगा गोल्ड और डायमंड्स के सेट, जो जिससे पहनने से ये और भी ज़्यादा सुंदर लगने लग जाएंगे, सुंदर डैशिंग लगने लग जाएंगे। अब मैं जा रहा हूँ सो, तो कि गाइस जैसा कि आप सभी देख सकते हो सुबह हो चुकी है, और मैंने सोचा था कि मैं इनके लिए आर्मर स्टैंड्स के लिए मैं बनाऊंगा इनके लिए सेट डायमंड्स और गोल्ड का, एक मैं बनाऊंगा डायमंड का और एक एक के लिए मैं बनाऊंगा गोल्ड का, और इन्हें कलर का सेट अपनी इनके हाथ में मुझे देनी है डायमंड स्वॉर्ड। एक मिनट ये ना फिर से ना पीछे आ जाए मेरे, इस बड़ी दरवाजा मैंने अच्छे से लगा दिया, तो मैं जा रहा हूँ अंदर क्राफ्टिंग टेबल्स में से बनाऊंगा मैं एक सेट डायमंड का और एक बनाऊंगा डायमंड गोल्ड का। तो आप सभी सोच रहे हो कि मेरे पास इतने सारे दो सेट है, मेरे पास डायमंड के और एक है मेरे पास गोल्ड का, तो मैं इससे क्यों नहीं दे दी थी, तो गाइज वो है मेरे, तो मैं नहीं चाहता कि मैं नहीं अपने सेट्स दूँ इनके लिए, मैं बनाने जा रहा हूँ नए, मैं नहीं चाहता कि मैंने यूज हुए सेट्स दूँ, इसलिए मैं इनके लिए नए बनाने जा रहा हूँ। तो मैं कैसा करता हूँ, पहले अपने सभी कस्म खाली कर देता हूँ, ये ना मैंने गलत जगह लगा दिया कटर, इसको मैंने साइड में लगाना पड़ेगा, इसको ना यहीं बैठा देते हैं, एक मिनट, नहीं अगर यहाँ बैठा दिया तो यहीं पर रहेगा ना, मुझे समझ नहीं आ रहा अंदर तो आ गया बाहर कैसे जाएगा, अब मुझे चाहिए डायमंड्स, एक गाय डायमंड मैंने यहाँ, और एक मुझे चाहिए, और सिर्फ चाहिए ना, दो बनाने हैं मुझे सेट्स, सेट तो मुझे एक ही बनाना है, ये ना सामने गिर पड़े से उठा लेता हूँ। ओके तो मैं जा रहा हूँ सीधा बनाने के लिए सेट, अब के ऐसे लगाने से भी ना काम बनता, तो मुझे खोलना पड़ेगा। ओके ये सामने आ चुके हैं, तो मैंने बना लिया एक डायमंड चेस्ट प्लेट, अब मुझे चाहिए डायमंड लेगिंग्स, अब मुझे चाहिए बूट्स, चाहिए डायमंड के बूट्स। ओके बूट्स भी मुझे मिल चुके हैं, 22, 28, 28, 28, कितने, ओके नहीं कम के बलते, अब मुझे चाहिए बस एक हेलमेट, हेलमेट के लिए जगह नहीं बची है, करता हूँ कुछ नहीं, यहाँ से उठा कर ना मैं अपने इन्वेंट्री में रख देता हूँ। तो ओके मैंने यहाँ पर मीटर उठा कर रख लिया था, तो ओके गाइस जैसे आप देख सकते हो मेरे पास डायमंड का सेट तो बन गया, ऐसा करता हूँ दोनों इकट्ठे लेकर जाता हूँ, मैं स्वॉर्ड ढूंढ लूँ पहले, मैंने डायमंड की, एक मिनट, गोल्ड की स्वॉर्ड तो मैं अपनी तो नहीं दूंगा क्योंकि ये भी टूटने वाली है, एक मिनट, टूटने वाली दे दो, नहीं, मैंने पहले ही सोचा ना मैं अपना यूज हुआ सामान नहीं दूंगा, उन्हें के लिए मैं नया सामान बनाऊंगा। तो ओके ये है डायमंड पिकेक्स को मैंने फेंक दिया अंदर, नीचे रख लेता हूँ ना, तो अब मुझे बनानी है एक डायमंड स्वॉर्ड, एक गोल्ड स्वॉर्ड और गोल्ड के सेट, तो जो कि सामान बचा है ना बाद में रखूँ, पहले मैं उठा लूँ गोल्ड, गोल्ड काफ़ी सारा उठा लेता,
गोलकीपर काफ़ी ज़्यादा ऊपर बना ली, क्योंकि मुझे एक बनाने सेट चाहिए। सेट भी आप पढ़ा तो है, पर वो होगा आपको, आप सभी तो जानती है कि मैं वर्ल्ड सेंड नहीं क्यों दूंगा। है तो अब मुझे चाहिए, मुझे मिल गया हेलमेट। ओके हेलमेट तो मिल गया मुझे, काफ़ी यहाँ पर सामान रख रहा हूँ, स्टिक्स भी रख देता हूँ क्योंकि मेरे पास सामान काफ़ी भर चुका है। तो ओके गाइस, तो आप सभी देख सकते हो कि मैंने काफ़ी सारा सामान तो बना लिया। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मिल गई लेगिंग्स, मुझे मिल गई। अब मुझे चाहिए बूट्स, पहले चेस्ट प्लेट बनाते हैं, चेस्ट प्लेट भी मुझे मिल गई, और अब रह गए बूट और स्वॉर्ड। ओके पहले मैं डायमंड का स्वॉर्ड उठा कर देखता हूँ, पहले गोल्ड की बना ली। ओके गोल्ड की तो मुझे मिल गई एक स्वॉर्ड, स्वॉर्ड को उठाता हूँ मैं, यहाँ रखता हूँ एक मिनट, हेलमेट को यहाँ रख देता हूँ ना। तो अब मुझे चाहिए कि बस डायमंड की स्वॉर्ड और फिर मेरा काम हो जाएगा पूरा। हेलमेट यहाँ रख देता हूँ, स्वॉर्ड रख दी मैंने यहाँ। तो ओके गाइस, मैं बिना टाइम वेस्ट किए जा रहा हूँ सीधा यहाँ से बाहर, ताकि मैं उनको दे सकूँ सेट और वो और भी ज़्यादा अच्छे लगने लग जाएं। तो गाइस सामने की तरफ आप देख सकते हैं, वो मेरी जगह है जहाँ की मैं जा रहा हूँ, और मुझे बस वहाँ जाके आप देख सकते हो ये रात से डांस कर रहे हैं, रात से डांस कर रही है ना, थकते नहीं, बस थकेंगे भी क्योंकि ये कौन से इंसान है, ये तो बस रोबोट्स है ना। बस मेरे पीछे रेडस्टोन लग गया था, अब मुझे पहनाने हैं कपड़े। ओके ये उसने पहन लिया, अब मुझे लेगिंग्स पहनानी है, अब है बारी बूट्स की। हेलमेट कहाँ गया, ये रहा हेलमेट, अब बढ़ा देता हूँ हेलमेट, और बस एक चीज रह गई जो कि है स्वॉर्ड। मैं ऐसा सोच रहा हूँ गाइस, इनके ना दोनों हाथों में स्वॉर्ड पकड़ा दूँ, पर दोनों हाथों में मेरे ख्याल से आएंगे नहीं ना, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं क्या हम दोनों हाथों में इनके स्वॉर्ड पकड़ा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा डायमंड और बहुत सारा गोल्ड है, तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं डायमंड्स और गोल्ड का करूँ क्या। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि उन डायमंड्स और गोल्ड को मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। तो ये मैंने बना दी मुझे इसे हेलमेट रह गया था। तो ओके गाइस, जैसे कि आप सभी देख सकते हो ये ना आपको नीचे उतर कर यार, पर में गलती से लग गया था, तब मैं जा रहा हूँ सीधा नीचे और आपको दिखाऊंगा आगे की तरफ से ये कैसा लग रहा है। तो मेरा बंदा काफ़ी धीरे धीरे उतर रहा है, मैंने कुछ खाया नहीं, पैसे कर तो पहले कुछ खा लेता हूँ। यहाँ पर उठा लिया रॉ बीफ, रॉ मैंने नाम पढ़ना भूल गया, रॉ पोक चॉप ये भी मैंने खा लिया है। इसमें हेल्थ काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रही क्योंकि ये ना रॉ है, रॉ अगर ये पका होता तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी से बढ़ जाती है, आसानी से बढ़ जाती है, मतलब आप सभी तो जानती है ना। तो ओके गाइस, बारिश पड़नी शुरू हो गई और आप देख सकते हैं मौसम कितना प्यारा हो चुका है, ऐसा मौसम मुझसे बहुत अच्छा लगता है। आपको क्या अच्छा लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो फिर गाइस, जैसे कि आप सभी देख सकते हो तो गाइस ये कितने सुंदर लग रहे हैं, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, जैसे कि मैंने इसे टावर के एक नीचे से बेस के ऊपर बनाया है। तो आपको ये कैसे लग रहे हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।